यार बहुत ही यमी आइसक्रीम होती है यहाँ पर थाईलैंड की, और एक ट्रेडिशनल आइसक्रीम है जो कोकोनट बेस्ड होती है यार, बहुत टेस्टी है। तो ये आइसक्रीम देखकर मेरे से रहा नहीं जाता यार, तो बस टाइम पास भी होता है और प्लस एक बहुत ही यमी सी एक चीज़ है जो प्रॉपर थाईलैंड से बिलोंग करती है और वो खाने का मौका मिलता है यार। तो आप लोग भी आइए तो ज़रूर ट्राई कीजिए। हेलो हेलो, व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल बैंकॉक बबल्स। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूँ आपका दोस्त अर्श। तो गाइस आज मेरे साथ है हमारे बाबा। बाबा जी कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त सुनील यशपाल, और मेरे साथ में छोटा भाई हर्ष, जिसका चैनल है बैंकॉक बबल्स और बहुत अच्छे वीडियोस कर रहा है यार। मैं पहले भी आप लोगों को बोल चुका हूं, और एक अच्छी जर्नी रही है यार, दो दिन स्पेंड किए मैंने भाई के साथ में यार। काफ़ी नॉलेज है भाई को यहाँ पर बैंकॉक के बारे में। तो अगर आप लोग भी ये नॉलेज आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं, कंटिन्यू नॉलेज लेना चाहते हैं, तो यार भाई का चैनल आप लोग सब्सक्राइब करिए, और जो भी वीडियोस है आप लोग देखिए, पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिए और उसको शेयर भी ज़रूर करिए, क्योंकि यार आप लोग जितना लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उतना एक यूट्यूबर का मोटिवेशन हाई होता है, उतने अच्छे वो वीडियोज़ आपके लिए बनाता है, उतनी ज़्यादा कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन वो आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लाता है और आपके साथ में शेयर करता है। तो बाबा जी बोलिए अभी कहाँ पे चलते हैं? भाई ले चलो अपने को बैंकॉक, अभी यार बहुत कुछ यहाँ पर डिस्कवर करना है बैंकॉक में, और फिलहाल टाइम बहुत कम है, तो जहाँ पर आप ले चलोगे मैं तो साथ साथ चल रहा हूँ भाई। इट्स ऑल अबाउट ऑन यू। तो आज आपको कैसे लगा यहाँ पे घूम के प्लेटिनियम पे? वेरी नाइस मॉल यार, बहुत ही बढ़िया शॉपिंग मॉल है। आप जब भी टाइम मिले तो ज़रूर आइए यहाँ पर प्लेटिनियम फैशन मॉल में यार। हर चीज़ है आपकी फैमिली के लिए यार, आप खुद के लिए बाय करना चाहें, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए कपड़े हैं, शूज़ हैं, एसेसरी है, जो आपको चाहिए वो सब मिलेगा। बहुत ब्यूटीफुल शॉपिंग मॉल है ये प्लेटिनम मॉल। तो आपको यहाँ का कलेक्शन कैसा लगा, जैसे कपड़े में है, शूज़ में है, एसेसरीज में, कैसा लगा कलेक्शन? बढ़िया है यार, वेरी गुड क्लोथ्स और एकदम लेटेस्ट फैशन है, बिल्कुल अपडेटेड है ये जितनी भी शॉप्स है। जो भी नया ट्रेंड होता है वो जो भी नए ट्रेंड के अकॉर्डिंग कपड़े हैं या एसेसरी आपको सब मिलेगी इस मॉल के अंदर। तो भाई फाइनली बात यही हुई कि अगर आप प्लेटिनियम में आना चाहते हैं, अगर आप होलसेल में बाई करना चाहते हैं अगर, तो आप यहां से कर सकते हैं दोस्तों। रिटेल में भी आपको मिलेगा, अगर एक चीज़ लोगे आप तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा, अगर आप 3 या 6 चीज़ लेते हो तो आपको ज़्यादा चीप में आपको यहां पे पड़ेगा। तो ठीक है गाइस, वीडियो के अंदर कंटिन्यू बने रहिए, अभी हम चलते हैं बाबा के साथ सेंट्रल वर्ल्ड पे और आपको दिखाते हैं सेंट्रल वर्ल्ड के बाहर का क्या नज़ारा है, और उनको भी थोड़ा वहाँ पे रिव्यू करना था सेंट्रल वर्ल्ड का। उसके सामने बिक्सी है, तो हमारे बहुत सारे इंडियन यहाँ पे आते हैं और शॉपिंग करते हैं, और एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन माना जाता है दोस्तों हर एक टाइप की शॉपिंग के लिए। जैसे अभी आपने देखा होगा प्लेटिनियम मॉल, तो अगर आपको होलसेल बिजनेस करना है तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं दोस्तों। आपको यहाँ पे जेंट्स की है, लेडीज़ की है, बच्चों की है, सभी एसेसरीज आपको होलसेल प्राइस में आपको बहुत ही नए कलेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप बिल्कुल ध्यान में रखिए दोस्तों, प्लेटिनियम मॉल जब भी आप बैंकॉक में आते हो, कोई भी एरिया में आप रुकते हैं दोस्तों, तो प्लेटिनियम मॉल में आप ज़रूर विजिट कीजिए। और अगर आपको यहाँ पे आना है दोस्तों, आप वाया BTS है, वाया स्काई ट्रेन है, आपका जो बोट स्टेशन है बिल्कुल पास में दोस्तों, और ये एरिया का नाम है प्रतुनाम एरिया, और उसके बाजू में है दोस्तों नोवोटेल होटल। तो अगर आपको स्टे करना है दोस्तों तो आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। इसके बाजू में है दोस्तों बिक्सी, सेंट्रल वर्ल्ड, इसके बाजू में है इंदिरा मॉल दोस्तों। और गाइस जितने भी यहाँ पे होलसेल मार्केट है वो यही एरिया के अंदर है, तो आप ये एरिया बिल्कुल मिस मत करना, जब भी आप आते हो तो ये एरिया के अंदर आप विजिट कीजिए। अगर आपको होलसेल में लेना है, रिटेल्स में लेना है, जो भी लेना है वो आप ले सकते हैं यहाँ से। गाइस आप देख सकते हैं हमारे बाबा वुड जो अभी शूट कर रहे हैं प्लेटिनियम मॉल के एग्जैक्टली बाहर में। तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई मेरे जो व्यूअर्स है वो प्लेटिनियम मॉल को बहुत ही मिस करते हैं, और बहुत सारी कमेंट थी दोस्तों, और कल भी मेरे को भी 2-3 कमेंट थी कि भाई, और मेरे को व्हाट्सएप में भी बोला था कि भाई जब भी आप जाओ प्लेटिनियम मॉल हमको अच्छे से दिखाओ और उसका डिटेलिंग कराओ, बिकॉज जो बिजनेस वाले लोग हैं जो यहाँ पे एवरी मंथ जो परचेस करने के लिए आते हैं, उनके लिए दोस्तों बहुत ही एक अच्छा डेस्टिनेशन माना जाता है प्लेटिनियम मॉल, क्योंकि वो लोग होलसेल में शॉपिंग करते हैं। तो अगर दोस्तों आपका भी इंडिया में कोई शॉप है एसेसरीज का, लेडीज जेंट्स का, कुछ कपड़े का अगर आपका बिजनेस है, तो आप यहाँ पे आके जरूर शॉपिंग कर सकते हैं, और यहाँ से आपका माल का जो भी परचेस करके आप इंडिया में ले जा सकते हैं यहाँ से। ये जो जगह है यहाँ पे दोस्तों हमारे बहुत सारे इंडियन भाई यहाँ पे प्रे करने आते हैं, बिकॉज यहाँ पे है दोस्तों गणेशा टेम्पल, और यहाँ पे बाजू में है और एक थाई टेम्पल, और आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों प्रेयर ये जो बनाया हुआ है यहाँ पे दोस्तों बैठ के लोग प्रेयर करते हैं। बहुत ही दोस्तों नीट एंड क्लीन जगह है, और बहुत सारे कंट्री के लोग जिसकी आस्था यहाँ पे होती है वो लोग यहाँ पे आते हैं और प्रेयर करते हैं, और आप देख सकते हैं मेरे सामने उनकी जो स्टाइल से वो लोग जो प्रेयर कर रहे हैं, कुछ लोग खड़े रह के करते हैं, कुछ लोग बैठ के जो फ्लावर रह के यहाँ पे प्रे कर रहे हैं अभी। तो बाबा जी बोलो कहाँ पे चलेंगे अभी, कोई आइडिया? बस आइडिया तो यार यही है कि यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल सा मॉल है सेंट्रल वर्ल्ड, तो
सोच रहे हैं कि एक यहाँ पर भी एक राउंड लगा लिया जाए मॉल के अंदर सेंट्रल वर्ल्ड में, और अपने भाइयों के साथ ये ब्यूटीफुल सा शॉपिंग मॉल भी शेयर किया जाए। तो यहाँ का आपका व्यू कैसा लगा, आसपास का एरिया? हर जगह यार एकदम अल्टीमेट है यार, बैंकॉक में हर जगह एक से बढ़कर एक है। जो भी जगह देखते हैं आप लोग, वो लगता है कि ये जगह पहले ही वाली जगह से ज़्यादा खूबसूरत है। वेरी नाइस। तो बेसिकली यहाँ पे इंडियन आना ज़्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज जो पतूनम एरिया बाजू में ही है, और जैसे बिक्सी हो गया, सेंट्रल वर्ल्ड हो गया, प्लेटिनम मॉल हो गया, तो बिल्कुल 1 किलोमीटर के अंदर ये सब ये, तो यहाँ पे इंडियन आना पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करना भी चाहिए, क्योंकि यार 1 किलोमीटर के सराउंड आपके पास में सारे बड़े बड़े मॉल्स हैं, शॉपिंग के हर तरह के ऑप्शंस हैं, और इसके अलावा बहुत सारी यार आप लोग कह सकते हैं ब्यूटीफुल होलसेल मार्केट्स हैं, और वॉक करने के लिए बहुत अच्छी जगह है आपके पास में यार। तो आप लोग एक अच्छा सा वॉक ले सकते हैं इस रोड के ऊपर, और आप लोग इंजॉय कर सकते हैं ये व्यूज़, आप इंजॉय कर सकते हैं ये ब्यूटीफुल बैंकॉक। तो गाइस, जब भी आप थाईलैंड में आते हो, बैंकॉक में अगर आप टूर करते हो, अगर आप यहाँ पे स्टे करते हो दोस्तों, तो यहाँ पे आप जरूर आइए। तो गाइस, आप देख सकते हैं मेरे सामने है एप्पल का स्टोर, और ये दोस्तों उसकी यूनिक डिज़ाइन आप देख सकते हैं, पूरा जो वुडन फ्रेम है उसको जो कवर किया हुआ है, और पूरा राउंड में जो ग्लास है उनका, आपको कोई जगह में दोस्तों इसकी वॉल नहीं मिलेगी, जस्ट ये ग्लास की वॉल है चारों तरफ, और पूरा राउंड शेप में बना हुआ है। और दोस्तों इसके अंदर एक खासियत है कि उसका कोई बीम नहीं है, ना कोई कॉलम है, जस्ट बीच के अंदर जो मिडल के अंदर एक सेंटर में जो बड़ा बीम है उसके ऊपर ही दोस्तों ये पूरा एप्पल का स्टोर टिका हुआ है दोस्तों, और पूरे राउंड शेप के अंदर उसके अंदर स्टेयर लगे हुए हैं दोस्तों। तो अगर आप यहाँ से कुछ परचेस करते हैं आपको एक अच्छा सा एक्सपीरियंस होगा दोस्तों। तो गाइस, आज वाला वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट शेयर जरूर कर देना, ठीक है? और ये है हमारे बाबा वुड, तो बताइए बाबा वुड आज कैसा लगा हम दोनों को? बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा दिन बीता, और काफ़ी सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर भी करी। आज बैंकॉक के अंदर थोड़ा सा हेक्टिक हो गया यार, आप लोग चेंज देख रहे हैं फेस के ऊपर कि जब हम लोग आए थे तब कैसे थे और अभी कैसे हो गए हैं। तो यार एक मेहनत लगती है यार ये सारी आपके लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने में, हर चीज़ आपको दिखाने में और हर चीज़ आपको बताने में। तो यार एक एप्रिसिएशन में चाहिए आपसे सिर्फ एक लाइक शेयर, और अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और साथ में लगी घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि पता चल जाए कि भाई नया क्या लाया, राइट? तो बस यार यही है, लाइफ चल रही है बहुत अच्छे से, बैंकॉक में सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है, और जिस ढंग से यहाँ पे थाईलैंड में इनफैक्ट सब चीज़ें नॉर्मल हो रही है, तो बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात भी होगी। तब तक बाय बाय, सी यू।